उसाला जास्त पाणी लागत नसल्याचा दावा माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी केला. राज्यसभेत सुरू असलेल्या दुष्काळाच्या चर्चेत त्यांनी हा दावा केलाय. सर्वच राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर आहे, दीर्घकालीन आणि लघुकालीन उपाययोजनांची गरज असल्याची भूमिका शरद पवार. सर्व राज्यांमध्ये दीर्घकालीन आणि लघुकालीन उपाययोजनांची गरज आहे. दुष्काळाची परिस्थिती कमी अधिक प्रमाणात सर्वच ठिकाणी आहे आणि या सगळ्यावरती उपाय योजण्याची गरज असल्याचं पवारांनी सांगितलं. मात्र सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे उसाला पाण्याची गरज नाही असा दावा शरद पवारांनी केला. ऊस पीक हे फार पाणी घेतं आणि मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागात ऊसाच्या पिकाला बंदी घालावी अशी एकीकडे चर्चा सुरू असताना शरद पवार यांनी मात्र ऊस आणि पर्यायाने साखर कारखानदारीचं समर्थन केलेलं आहे. कृषि मंत्री जी ने कल कई बयान दे दिया आज के अखबार में, कहा कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में जो कुछ इरिगेशन के प्रोजेक्ट हो गए वो प्रोजेक्ट खाली चीनी मिल के लिए हो गए. भाई इरिगेशन के प्रोजेक्ट चीनी मिल को कवर नहीं देते नहीं. इरिगेशन के प्रोजेक्ट का इस्तेमाल अलग अलग, एक तो ड्रिंकिंग वाटर के करते हैं या अलग अलग फसल के लिए करते हैं. इसमें गन्ने का फसल ये बात सच है, मगर मुझे मालूम नहीं कि देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने यह तय किया है कि इस देश में इसके बाद गन्ने का फसल लेना नहीं. गन्ने का फसल हम लेते हैं एक इम्प्रेशन है कि इसे सबसे ज़्यादा पानी लगता है और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में इसे पानी ज़्यादा लगता है, ये सच्चाई नहीं है. जितना जो कुछ बारिश आता है इसका हर बूंद हम कैसे रोक सकते हैं, छोटे छोटे तालाब बना के और सबसे वाटर लेवल बढ़ाकर वहाँ की पीने की परमानेंट समस्या कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है. आज इस देश में इरिगेशन के प्रोजेक्ट बहुत किए हैं. आज इरिगेशन के प्रोजेक्ट में दो किस्म की परिस्थिति सामने आती है. कई राज्य ऐसे हैं कि वहाँ इरिगेशन के प्रोजेक्ट पूरे हुए मगर बारिश नहीं, इसलिए उस डैम में पानी नहीं. और कई राज्य ऐसे कि पिछले 25 सालों से इरिगेशन के प्रोजेक्ट का काम चालू है अभी तक पूरा हो नहीं है. और ये दूसरे इरिगेशन के प्रोजेक्ट है इनकी अवधि, ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम ये जो देखा तो ये नेशनल रजिस्टर में देर आर 312 प्रोजेक्ट्स विच आर इनकम्प्लीट फॉर लास्ट 25 ईयर्स. तो मुझे लगता है कि हम लोगों को बाकी सब कार्यक्रम दूर रखे, ये इनकम्प्लीट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं. Z24 तास रहा एक पाउल पुढे.